नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से 9 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज को डिस्कस करूंगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ के लिस्ट में ड्वेन जॉनसन टॉप पर हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। भारत और अफगानिस्तान ने 4 अफगान प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 5 समझौता ज्ञापनों के तहत की जाने वाली परियोजनाओं में कक्षाओं का निर्माण, एक उच्च शिक्षा भवन और अल्बेरोनी विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर एक सड़क शामिल है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के लिए एक सेल्फ स्कैन नामक ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में CBSE ने क्लास 9th से 12th तक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कमी कर दी है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है। हाल ही में भारत ने नेपाल देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए फोन पे के साथ समझौता किया है। हाल ही में असम राज्य के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की है। ये है आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज दोस्तों। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस IDO न्यूज़।